दोस्तों क्या कटारिया के साथ नाइंसाफी हो रही है या फिर जानबूझकर लवकेश कटारिया को इस समय एक टारगेट बनाया जा रहा है? अगर इन सभी चीजों के पीछे क्या वजह है और क्या सच्चाई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। मैं स्वागत करता हूँ आपका। आपको बता दें कि लव कटारिया जो कि एल्विश यादव के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत समझ लीजिए कि एल्विश उनको जान भी कहते हैं ये कहा जा सकता है, तो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। ऐसे में लव कटारिया बिग बॉस के घर में हैं और थोड़ा सा उन पर संकटों का पहाड़ टूटता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। मैं स्वागत करता हूँ आपका। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में लव कटारिया पर एक संकटों का पहाड़ टूटता हुआ तो दिख ही रहा है। कन्फेशन रूम में लव कटारिया को बुलाया जाता है, जहां पर बिग बॉस उनसे ये कहते हैं कि अगर आप आगे से कोई जोक मारे तो उसके पहले मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को तैयार कर लूं कि मुझे हंसना भी है। तो इस पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लो भाई जोकर 2.0 आ गया, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं भाई, इस बंदे को तो यार पहले ही दिन से ट्रोल किया जा रहा है या फिर जानबूझ के एक नेगेटिव शेड में लाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।